अभी इधर से कई लोग आते हैं, आगे मार्केट है बकरों का, मंगलवार को शनिवार को भरता है। उसमें कसाई को तो मांस देखता है कि 13 किलो माल है, चमार को देखता है कि 7.5 फुट माल है, उनके जो होते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर उनको देखता है कि बस 250-300 ग्राम माल है, अब भरवार को देखता है कि बस आधा किलो माल, सुबह आधा किलो शाम को। आपको देखेगा जीव, ब्रह्मवेता को देखेगा ब्रह्म की लीला। सृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है, तो भगवान में प्रीति होती है तो दृष्टि बदलना सुगम हो जाता है, लेकिन वास्तव में प्रीति होती है तो दृष्टि बदलती नहीं। और दृष्टि बदलती नहीं तब तक सृष्टि को, तो विज्ञान क्या करता है कि बाहर की सृष्टि को बदलने की कोशिश करता है, और वेदांत जो है दृष्टि को बदलने की कोशिश करता है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए तो भी पूर्ण सुखद न होगी, और दृष्टि जरा सा बदल जाए परम सुखी हो जाए। तो जिसको जानने से सब जाना जाता है, ये मास्टर की वेदांत देता है। हजारों हजारों वस्तुओं को जान के, आप बाहर का विज्ञान ने इतनी दौड़ लगाया कि खूब जानकारी, नाक का स्पेशलिस्ट, कान का स्पेशलिस्ट, खोपड़ी का स्पेशलिस्ट, खोपड़ी के भी अमुक भाग का स्पेशलिस्ट, ऐसे और जानकारियां जानकारियां और की ऐसी कुंजियां कुंजियां, ऐसी अनेक कुंजियां हो गई कि उनको पता ही नहीं कि कौन सी कुंजी कौन से ताले की। कृष्ण बोलते हैं कि सब की एक ही कुंजी जो है आत्मा, वो तो जान ले कि बस बेड़ा पार, मास्टर की सब दुखों की एक दवाई, अपने आप को जानो भाई। सारे विज्ञान के आविष्कार इकट्ठे करके भी आदमी सुखी होना चाहता है और क्या करना चाहता है, सब उपलब्धियां करके भी तुम सुखी होना चाहते हो। और शरीर विज्ञान का कितना भी सुख, कितनी भी उपलब्धि है, वो तुम्हारे शरीर को सुविधा और सुख देने तक की। जिसको जला देने का है उसको सुविधा और सुख मिला, अंत में तो उसकी मृत्यु के समय दुख, और जो मरा है वो जन्मेगा तो जन्म के समय दुख, और जो जन्मा है वो बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, रोगी भी होगा, फिर दुख चालू। तो हजार हजार कुंजियों के बाद भी दुखों से जान नहीं छूटती। और कृष्ण बोलते हैं हम एक ऐसी कुंजी देते हैं कि कोई दुख तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। अब मर्जी तुम्हारी है कि लाखों लाखों कुंजियों के लिए लाखों लाखों जन्म लो, हजारों हजारों जन्म लो और फिर भी दुखी के दुखी, अथवा तो मास्टर की के लिए जो तुमने जन्म लिया है, आत्मज्ञान पाने के लिए जो जन्म लिया है, वो आत्मज्ञान की कुंजी पालो, जीते जी अमर हो जाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ, तुम्हारे हाथ की बात है। यत इच्छसि तत् कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। एक तो श्रेय मार्ग है, दूसरा प्रेयस का है। श्रेयस बोलता है दे दो दे दो, अपने पास जो है वो दूसरों की सेवा में लगाओ, अपना मन भी दूसरों के सुख में लगा दो, अपनी बुद्धि भी दूसरों के आनंद में लगा दो, अपने पदार्थ भी जो आवश्यकता वाले हैं उनकी सेवा में लगा दो। अब प्रेयस बोलता है जो है वो कम है, और ले लो और ले लो और ले लो, तो लेते 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 इतने दब जाओ कि तुम्हारा पता ही ना चले तुमको, तुम जड़ी भाव को प्राप्त हो जाओ, और देते देते इतने खुले हो जाओ कि तुम्हारे सिवा और कुछ बचे ही नहीं। सरिता और सागर के बीच, सरिता और तालाब के बीच झगड़ा हुआ, सरिता को कहा कि कहां भाग रही तू सागर में खारा, वो बदले में कुछ देगा नहीं, इतना मीठा मीठा पानी तू उसमें उलेती जाती है, तू रोक थाम अपने को जरा रोक दे। सरिता ने कहा नहीं बहना मेरा स्वभाव है, दिल जा दरवाजा मुंह खोलिया, हर हिक लाए हिक जहड़ा, छो विचारिया तह में घिड़ंदा, माणू कहड़ा कहड़ा, हर हिक लाहित जाय जजेरी, हर हिक तामा वारी, हिन हुन साछा मुंजो मतलब मुंजी दुनिया न्यारी। मुझो मजहब प्यार करण आ प्यार करया मां हर एक के, मुझो प्यार अजल ऐं अणखुट खूब विराया हर एक के, प्यार ही मुझो मालिक खालिक प्यार संधि दिलदारी, हिन हुन साचा मुझो मतलब मुझी दुनिया न्यारी। मेरी दुनिया निराली है, वो कैसा करेगा, वो देगा न देगा मैं नहीं सोचती, मेरा स्वभाव है देना, मेरा स्वभाव है भलाई करना, सामने वाला भलाई करे और मैं भलाई करूं उस आशा से भलाई करूं, ये तो दुकानदारी हुई, वो चाहे करो चाहे न करो, लेकिन हमारा स्वभाव है भला करने का, हमारा स्वभाव है देना। तो बहुत ही जा रही थी, तालाब ने कहा हम तो रखेंगे रोकेंगे थामेंगे, रखने रोकने थामने से क्या हुआ कि मलेरिया फाट निकला,
और म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने ऑर्डर कर दिया कि हम सारा गांव का जो कूड़ा कचरा है, हरिजन लोग बुहारते हैं, वो जो कचरा पेटी की बसें हैं, गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, वो सब उसी तालाब में ठलवो। वो तालाब को तो महाराज बंद कर दिया कूड़ा कचरा डाल के, रखते रखते वो तो बंद ही हो गया, गायब हो गया। और नदी बहती रही, ताजा पानी बिलोरी कांच जैसा झरनों से और निकलता रहा, सागर में मिलता रहा। हवाएं उसको उड़ाकर बाष्प को ले गई, फिर बरसाया, वो रूटीन उसका चला रहा। गंगे हर नर्मदे हर सरस्वती हर यमुना हर। गंगा ऐसा भी नहीं सोचती कि सिंह आया है तो उसको जहर जैसा कर दूं पानी, और गाय आई है तो अमृत जैसा। नहीं, गंगा का स्वभाव है बहना, चाहे कोई कैसा भी हो अपने पास से तो वैसे का वैसा ले जा। ऐसे जिसके जीवन में सत्कृत्य है, जिसके जीवन में भलाई है, वो तो भलाई करता है। लेकिन सामने वाला अधिकार, किसी माई ने ज्ञानेश्वर से पूछा कि भगवान जब सबका है तो सबको एक जैसा क्यों नहीं देता। बोले भगवान तो एक जैसा देता है, लेकिन सब फिर उस एक जैसा को लेने की अटकल नहीं, उनकी योग्यता नहीं है, योग्यता के अनुसार फिर व्यवहार हो जाता है। बोले योग्यता वोग्यता क्या, सबको दे देना चाहिए। सबको दे देना चाहिए तो इतने में ज्ञानेश्वर का संकल्प होगा, कुछ होगा। एक भिखारी आया, माई को बोला, एक माई तेरा एक चूड़ी दे देना। अरे चल रहे मुआ, चूड़ी पहन आए, चूड़ी मांगता, गहने मांगता, चल चल। ओ एक पैसा काणिया दे दिया तो चला गया। ज्ञानेश्वर ने कहा कि भंडारा वंडारा करना है, तेरे पास तो गहने बहुत है, एक दो चूड़ी दे दे। बोले महाराज पांच की पांच ले लो। ज्ञानेश्वर ने पूछा, भिखारी ने मांगा एक तो उसको डांट दिया, और मेरे को मैं एक दो मांगता हूं तो पांच देती। महाराज तुमको देखे दिल खुश होता है, उसको कैसे दे वो नालायक को। बोले ऐसे ही भगवान का ज्ञान भी नालायकों के पास देने में जरा रुचि नहीं होती। और जो भगवान में प्रीति वाले होते हैं वो मांगते तो एक दो प्रश्न है, एक दो घंटा सत्संग, लेकिन हम पांच घंटा देने को तैयार हो जाते हैं। जय जय। हमारी प्रीति तो होनी चाहिए परमात्मा में, आसक्ति तो होनी चाहिए ईश्वर में, और व्यवहार होता है संसार तो बेड़ा पार। हम क्या करते हैं कि आसक्ति तो करते हैं संसार में, और व्यवहार करना चाहते भगवान से। भगवान से, भगवान के प्यारे संतों से, इसीलिए जरा गड़बड़ होती है, इसीलिए निहाल नहीं होते। नहीं तो भगवान में प्रीति और व्यवहार भगवान से हो जाए तो आदमी निहाल हो जाए। ओम ओम ओम। तो मन का भी उछलन करे, इधर उधर करे तो घबरा के चले जाओगे तो मन का तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ जाए। ऐसा तो होगा, तुम ईश्वर के तरफ चलोगे ना तो कोई ना कोई खटपट आ जाएगी। साधन भजन करोगे तो कुछ ना कुछ मन वहां से उपराम हो जाएगा, कभी जीवा रहा इसको। ऐसा उसको छूट दिया ना तो फिर वो तुम्हारे को समझो सदियों से ठगता आया है, अभी इस जन्म में भी ठग लेगा। ऐसे मौके पर संतों का, गुरुओं का आज्ञा मानकर यदि मन को कंट्रोल कर लिया जाए अब आसान हो गया। कभी कभी ऐसा है मन के ऊपर कोई, ये उपवास रखने का मतलब क्या है, उपवास रखने से कोई भगवान के वहां अन्न बढ़ जाएगा? नहीं, उपवास रखने से आदत है मन की, शरीर की रोज भोजन करता है, उपवास रखा कि आज नहीं कराते हैं तो आज बिना अन्न के रह गया, मान गया, एक बात मान ली तो कल दूसरी भी मान लेगा। भगवान बोलते माया आसक्त मना पार्थ, मेरे में जिसकी प्रीति है, उपवास में, पानी पीने में, न पीने में, खाने में अथवा न खाने में, मिठाई में अथवा तीखे में, ये खंड खंड में प्रीति नहीं, मुझ अखंड में जिसकी प्रीति हुई है, ऐसे अर्जुन मैं तेरे को अपना समग्र स्वरूप सुनाता। और जिसने भगवान के समग्र स्वरूप को जान लिया उसको और कुछ जानना बाकी नहीं बचता। और जिसने उस समग्र स्वरूप को न जाना, अब बाकी सब कुछ जाना, हजार हजार लाख लाख जाना, लेकिन एक को नहीं जाना, उसका लाख लाख जाना सब बेकार हो जाता। और जिसने एक को जान लिया उसने और कुछ ही को नहीं जाना तो भी चल जाता है। रामकृष्ण ने एक को जाना, बाकी का न जाना तो भी काम चल गया। हिटलर ने बाकी बहुत कुछ जाना, एक को नहीं जाना तो मरा मुसीबत में। विश्वामित्र ने एक को जाना, राम और लक्ष्मण पैर चंपी कर रहे हैं। रावण ने बहुत बहुत जाना,
एक को नहीं जान के बहुत कुछ जाना। हर बारह महीने दिया सलाई, हर बारह महीने चौपी दो, दर बारह महीने चौपी दो। कौन है? रावण ने विश्वामित्र ने वंदन करो। कबीर कहते एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक का जिसने साध लिया, एक का जिसने पा लिया, उसने सब पा लिया, एक सब साध लिया। और उस एक का छोड़कर सब कुछ जिसने संभाला, उसका सब कुछ रहा नहीं। तो ईश्वर के लिए जगत छोड़ना पड़े तो चिंता की बात नहीं, लेकिन जगत के लिए जगदीश्वर का त्याग न किया जाए। लोग जगत के लिए जगदीश्वर की बलि दे देते, जो ईश्वर की बलि दे देते हैं उनकी बलि हो जाती है, और जो ईश्वर के लिए सब ऐश आराम की बलि दे देता है, ऐश आराम की चीजें उसके पीछे उसके चरणों में आकर पड़ती। जय जय। संसार के लिए ईश्वर का त्याग मत करो, ईश्वर के लिए संसार का त्याग करना पड़े तो करो, लेकिन संसार के लिए ईश्वर का त्याग ना करो। और अगर ईश्वर के लिए संसार का त्याग कर लिया, ईश्वर के लिए तो ईश्वर सर्वत्र है, संसार का भी त्याग ना होगा। ऐसे त्यागियों की नहीं, दो दिन से पानी नहीं पिया, अब जाके पीऊंगा, पैसा लेती नहीं हूं, तुम देना चाहो तो दे दो, फल खाती नहीं हूं, तुम देते हो तो ले लेता हूं, ये सब फिर परपंच करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओम ओम। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाही, मन क्रम वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्न हूँ सुख नहीं, कराय कोटि उपचार, सियावर रामचंद्र की जय। तुम इतने निखालस, इतने स्वाभाविक हो जाओगे। लोग बोलते हैं कृष्ण ने गीता कही, लोग कहते हैं कि कबीर ने बीजक कहा, ये कबीर के वचन है। नहीं, कबीर के वचन नहीं, कबीर के द्वारा निकल गया। जो आदमी जब तक कहने को रहता तब तक सत्य की सुवास नहीं आती, कहने वाला नहीं बचता, सत्य वहां से छलकता है। कृष्ण के द्वारा गीता हो गई, कृष्ण ने नहीं कही, हो गई। कृष्ण इतने शुद्ध हैं, इतने आर पार हैं कि उसमें कुछ रुकता नहीं। अर्जुन अधिकारी है या ना है, प्रीति आ गई, अर्जुन की प्रीति थी, बस श्री कृष्ण जो बोले वो गीता हो गई, नानक जो बोले वो ग्रंथ साहब हो गया, कबीर जो बोले वो बीजक बन गया, रामकृष्ण जो बोले वो वचनामृत बन गया, रमण महर्षि जो बोले वो शास्त्र बन गया। तो तुम्हारी ईश्वर में प्रीति होती, आसक्ति चली जाती, अहम चला जाता है, तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो परमात्मा चेतना है वो तुम्हारे अंदर भी, तो फिर वो जो वाणी है ना वो सत्संग हो जाता है। हम जिस दिन सोच विचार के तुम इसको ये कहूंगा, ये बोलूंगा, ऐसा विषय पर प्रवचन करूंगा, उस दिन देखो कि कुछ नहीं, दीवा पाचड़ अंदर हो। और जिस दिन तुम सहज स्वाभाविक रहते हो, तुम हट जाते हो, तो तुम्हारे द्वारा ऐसा कुछ अद्भुत हो जाता है कि फिर तुम ही सुनते हो तो तुम्हें मजा आता है। फोटो पढ़ाने में भी जो महाशय फोटो पढ़ाने की कोशिश करते हो, अच्छी तरह से पोज आए, उनको देखो तो पोज देखकर ए हो जाता है, और जिनका स्वाभाविक पोज निकल जाता है उसको जरा देखने की रुचि भी होती। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने फोटो को देखकर ही प्रणाम कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे, और उसी फोटो को देखते देखते ध्यानस्थ हो गए। शिष्यों को हैरानी हुई, कह रहे ये क्या हुआ, वैसे ही लोग तो पागल पागल बोलते थे, आज तो सचमुच ये खतरे की बात हो गई, अपने ही फोटो को प्रणाम कर रहे हैं, अपने ही फोटो को देखकर ध्यान कर रहे हैं। शिष्यों ने कहा गुरुजी आपके भगवान नहीं, काली का मूर्ति नहीं है, ये तो परमात्मा का फोटो नहीं है, ये तो आपका है। बोले हमारा, मेरा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जब खो गया था परमात्मा ही रह गया था, तभी लिया गया होगा, तभी मेरे को आनंद आता है। तो उन महापुरुषों का हम चित्र रखते हैं या देखते हैं, और जिसको देखकर हमारे हृदय में शांति आती है, वो समझ लेना कि उस वक्त वो ऐसे ऐसी अवस्था में होंगे कि जिस रूप में तुम उनको देखते हो उस रूप में नहीं होंगे, जिस रूप में वो जगह है उस रूप में होंगे, तभी उनके चित्र का तुमको इतना आनंद मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है। सुन्या सखना कोई नहीं है, है तो सबके पास वही अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो फैल रहा है वही तुम्हारे हृदय में बस रहा है। लेकिन हमारी संसार की जो आसक्तियां हैं, हमारे संसार की जो मान्यताएं हैं,
उस मान्यता को छोड़ने की अटकल हमको नहीं। मैंने बताया था ना कि श्वास छोड़े उस समय छोड़े कि मेरी इच्छाएं अहंकार वासना अलविदा, अब तो सर्वत्र मेरा परमात्मा है, मेरा आत्मा ही रह गया, इच्छाएं वासनाएं चली गई तो ईश्वर ही तो रह गया, मैं ईश्वर में डूब रहा हूं, मेरा आत्मा ही परमात्मा है, ओम आनंद आनंद, इस प्रकार का भाव करके जो ध्यान करता है चुप होता है वो भगवान में प्रीति वाला हो जाता है। रस आने लगेगा तो और मन उस तरफ लगेगा, मन को रस चाहिए। इस ढंग से यदि तुम रस लेना मन को सिखा दो तो भगवान में प्रीति हो जाएगी और भगवान का समग्र स्वरूप संत जब बताएंगे और भगवान के वाक्य जब तुम सुनोगे समग्र स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। जितना हेत हराम में उतना हरि से होए, कबीर वादास का पला न पकड़े कोई, फिर जमदूत की क्या ताकत है कि तुम्हें मार सके, मौत की क्या ताकत है कि तुम्हें आंख दिखा सके, वो तो तुम्हारे शरीर से गुजरेगी लेकिन तुम उसके साक्षी होकर अपने स्वरूप में लीन हो रहोगे। ऐसी मास्टर की तुम्हारे पास मौजूद है, ताला भी है, मास्टर की भी पड़ी है, हजारों हजारों और कुंजियां लिया, हजारों हजारों खोपड़ी में भरी सहूलतें, सगवड़े, मित्रता, साथी, न जाने क्या क्या तुमने सीखा। एक अपने को पार होना नहीं सीखा, बाकी सब सीखा। रोचक एक कहानी है, कोई सैलानी साहब समुद्र में सैर करने के लिए गया। उस साहब ने उससे पूछा, नाविक से, वो शट लगाकर नाव चलाते न, पाल लगा के, बोला यू नो इंग्लिश, तो इंग्लिश जानता है साहेब, इंग्लिश क्या होता है, बोले इंग्लिश नहीं जानता, इंग्लिश बोलना नहीं जानता, बोले नहीं साहब, बोले तेरी जिंदगी चार आना बर्बाद हो गई। फिर बोला अभी कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, ये तो जानता है, अखबार पढ़ता है, तो अखबार क्या होता है, कौन हारेगा कौन जीतेगा मेरे को तो पता नहीं, बोले राजकारण की बात नहीं जानता, बोले नहीं, बोले तेरी जिंदगी चार आना और बर्बाद हो गई। बोले लाइट हाउस में कौन सी पिक्चर आई पता है तेरे को, बोले लाइट हाउस व्हाइट हाउस मैं नहीं जानता हूं, बोले कौन सी पिक्चर चलती है, कितने थिएटर है अहमदाबाद में तेरे को पता नहीं, ना साहब, अच्छा सूरत में, बोले कोई नहीं, बोले तेरी चार तेरी जिंदगी चार आना और भी गई, बारह ना तेरी जिंदगी बेकार चार आना रही, इतने में आया आंधी और तूफान, शट तक कहीं उड़ गया, किस्ती तो डूबू डूबू कह रही है। उस बेचारे भोले भाले आदमी ने पूछा कि साहब अब टाई को संभालने की जरूरत नहीं है, कोट को खंखेरने की भी जरूरत नहीं है, मैं इतना ही पूछता हूं आप तैरना जानते हैं, बोले मैं और सब जानता हूं केवल तैरना नहीं जानता हूं। किस्तीकार ने कहा कि तुम अब डूब मरो, मेरे पास तो चाराना जिंदगी है ना, तैरना जानता हूं और नहीं जानता हूं, मैं तो किनारे लग जाऊं और तुम गोते खाते रहो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम बक्ष्यामि शेषतः, यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम ज्ञातव्यम वशिष्यते, ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचता। कितना सुंदर ये श्लोक है, भगवत गीता के सातवें अध्याय का दूसरा श्लोक है। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम, ज्ञान को विज्ञान सहित, ज्ञान और विज्ञान क्या होता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियाः, तो ज्ञान विज्ञान क्या होता है, आत्मा का तुम्हारे मयपन का शास्त्र उक्त जो समझ है उसको बोलते ज्ञान, और वह समझ का साक्षात्कार हो उसको बोलते हैं विज्ञान, अथवा तो यूं कहें कि एक होता है परोक्ष ज्ञान
दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान कैसे, जैसे मैंने सुना कि अहमदाबाद में साबरमती के किनारे मोटेरा आश्रम, योग वेदांत समिति आश्रम, ये आश्रम है, मैंने सुना है, ऐसा है वैसा है, मैंने सुना है। ये हो गया उसके करीब के नक्शे को देखकर, समझकर, सुनकर मैंने मान लिया कि आश्रम होगा। ये हो गया परोक्ष ज्ञान। और यहां आ गया, अरे ये आश्रम है, साक्षात हो गया उसका, इसको बोलते हैं अपरोक्ष। अब परोक्ष नहीं बचा, अपरोक्ष हो गया। ऐसे हम ईश्वर के लिए सुनते हैं, परमात्मा के लिए सुनते हैं, परमात्मा दयालु है, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा सबके घट में है, परमात्मा की सत्ता से मन के संकल्प उठते हैं, मन में जैसी जैसी कल्पना होती है परमात्मा का साकार रूप मन मान लेता है, एकाग्र करने के लिए ये भी ठीक है। वास्तव में परमात्मा साकार निराकार दोनों सत्ताएं परमात्मा की है। इस विषय में जो परमात्मा को हमने सुना है कि मन इंद्रियां बुद्धि चित्त अहंकार इन सब को सत्ता देने वाला है, एक हृदय में जो सत्ता दे रहा है वही सब हृदय में सत्ता दे रहा है, इस प्रकार का हमने सुना है। सुना है, सुना हुआ ज्ञान यदि सिंह आ गए तो हम डर गए, है तो सब में वही, लेकिन फिर भी परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं हुआ तो सिंह आया तो हम डर गए भागे। अनुभव कर लिया तो हो गया अपरोक्ष। दूसरे ढंग से सुनो कि एक वक्त वस्तु होती है परोक्ष, दूसरी होती है अपरोक्ष। और सत्य जो है ना, परोक्ष अपरोक्ष नहीं, वो साक्षात अपरोक्ष है। ये फल कहीं था, ये फल कहीं था, ऐसा है वैसा है, मैंने सुना, ये हो गया परोक्ष। ये मैंने यहां देख लिया, ये हो गया अपरोक्ष। अपरोक्ष तो हुआ, लेकिन इसको देखने के लिए, इस फल को देखने के लिए, परोक्ष को सुनने के लिए कान चाहिए और अपरोक्ष को देखने के लिए आंख चाहिए। लेकिन परमात्मा ऐसा अपरोक्ष नहीं कि जिसको देखने के लिए आंख चाहिए, परमात्मा ऐसा अपरोक्ष, ऐसा परोक्ष नहीं कि जिसको सुनने के लिए कान ही चाहिए ना। परमात्मा जो है वो साक्षात अपरोक्ष है। कैसे? इस फल को देखने के लिए आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए और फल चाहिए। आंख को देखने के लिए, प्रकाश को देखने के लिए खाली आंख चाहिए। आंख को देखने के लिए न फल चाहिए न प्रकाश चाहिए, आंख को देखने के लिए मन चाहिए। इनमें भी तो मन है, मन चाहिए इन सब में, लेकिन आंख को देखने के लिए फल और प्रकाश नहीं चाहिए, खाली मन चाहिए। मन के संकल्प विकल्प को देखने के लिए चित्त चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो ये जो है ये अपरोक्ष तो होते हैं, लेकिन पर प्रकाश से अपरोक्ष होते हैं। लेकिन भगवान जो है स्वयं प्रकाश से अपरोक्ष होता है, वो साक्षात अपरोक्ष है। ये साक्षात अपरोक्ष नहीं, इसलिए भगवान का नाम है स्वयं प्रकाश। भगवान को बोलते सच्चिदानंद, वो सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। जो सत्य है तो तुम्हारे शरीर के पहले भी था, अब भी है, शरीर के बाद भी है। जिसको तुम बोलते हो मैं मर जाऊं तो सुखी हो, तो मरने के बाद भी तुम तो हो, तुम कौन हो उसको जान लिया तो तुमने सत्य को दर्शन कर लिया। और चैतन्य है, आनंद है, उसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। इच्छाओं के पटल चढ़े हुए होते हैं, उसीलिए हम दुखी होते हैं। इच्छा हटी, इच्छा का जरा सा पटल हटा तो आनंद आया, तो अथवा कोई इच्छा के अनुकूल हुआ तो आनंद आया। आनंद जब आता है तो आनंद भीतर है, खाने की चीज हो चाहे देखने की हो, स्पर्श करने की हो चाहे सूंघने की हो, सुनने की हो चाहे फेंकने की हो। लेकिन जब जब आनंद आता है, बॉल फेंक के आनंद आता है तो बॉल में नहीं आता, आनंद दिल में महसूस होता है। पिक्चर देखते हैं आनंद आता है तो पर्दे पे आनंद नहीं होता, आनंद हृदय में होता है। बढ़िया बात सुनकर जो आनंद आता है वो भीतर आता है।
तो मानना पड़ेगा कि भीतर चैतन्य है, किसी के मुंह में न करे नारायण, सूखा रोग हो जाए, लाड़ होना बंद हो जाए तो उसको मिश्री मीठी नहीं लगेगी, मिश्री मीठी नहीं लगेगी। क्यों? कि हृदय में लार नहीं, मिठास नहीं, उसलिए मिश्री मीठी नहीं लगेगी। है तो चमड़ा, मुंह में भी तो चमड़ा है, लेकिन शरीर के किसी अंग पे तुम रसगुल्ला रख दो, चाशनी रख दो, तो मिठास नहीं आएगी। मिठास के लिए तुम्हारे पास अपनी मिठास चाहिए। जय जय। ऐसे ही जगत का कोई भी सुख मिलता है या आनंद आता है तो तुम आनंद स्वरूप हो तभी आनंद आता है, तुम सुख रूप हो तभी सुख दिखता है। इन गलती क्या हो गई कि वो सुख के चीजों को पकड़ लिया, उसमें आसक्ति हो गई, अपने सुख स्वरूप का अनादर कर दिया। इसलिए सुख की हजारे हजारे चीज होकर भी तुम्हें पूर्ण सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अपना अनादर कर दिया। तुमको अपने परमात्मा में, अपने आत्मा में प्रीति नहीं हुई, आसक्ति नहीं हुई। मिटने वाली क्षण में आकर जाने वाली चीजों में आसक्ति हो गई। भगवान बोलते मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदासया, जो मेरे में माना, रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण अपने को उस रूप में मैं नहीं कह रहते, समग्र ब्रह्मांड में फैला हुआ, सबके दिल में फैला हुआ, हे पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि, संपूर्ण विभूति, संपूर्ण बल, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसकी सत्ता से चमक रहा है, जिसका है, उसको तू जान ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। इसको जानना अथवा परमात्मा को पाने जैसा दुनिया में और कोई सरल उपाय नहीं। क्या है कि मनुष्य इतना छोटी बुद्धि का हो गया कि थोड़ी थोड़ी चीजों में वो उलझ जाता है। ईंट चूना लोहा लक्कड़ के मकान में जिंदगी खो देगा, मिटने वाले मित्रों में समय खो देगा, जलाने वाले शरीर में समय खो देगा, उसलिए ज्ञान दुर्लभ हो जाता है, वरना ही दुर्लभ नहीं। भजन तो करते हैं, भगवान का माला तो घुमाते हैं, लेकिन किस लिए घुमाते हैं? जरा पूछो ईमानदारी से। मारू ते मारा बाप नून पेला में मारो भाग लियो। और लोग कभी कभी तो ऐसी गलती करते हैं कि सच पूछो कि सत्संग के वक्त भी ऐसी ऐसी कोई एक अनर्गल बात कर लेते हैं। कल कोई एक आया, प्रणाम किया, आके सोचा क्या आया बैठा है, दो वचन सुनेगा, उसका कल्याण होगा, उद्धार होगा। आया, प्रणाम किया, बोले बापू भागवत खाली नहीं करता ऐसा कुछ आशीर्वाद को मकान मालिक, अब भागवत खाली कर लेगा। अब आशीर्वाद करूं भागवत खाली करे तेरे को मकान मिले, भागवत फुटपाथ पे जाए, मकान खाली नहीं था तू। कोई बोलता कि हमको दुकान नहीं मिलती है, कोई बोलता कि ये नहीं है, कोई बोलता अरे तुम्हारे साथ जो सदियों से परमात्मा उसकी मुलाकात नहीं, उसका कभी पूछते नहीं, कितनी बदकिस्मती है। नौकरी नहीं एना माटे जख मारी ना आवशे, जख मारी फरशे। छोकरी नहीं एना माटे दौड़ा दौड़ी करशे। पण तमारा हृदय में प्रभु होवा छता एनी मुलाकात नहीं, एना माटे तमे तड़फ तमने केम थती नहीं। ओम ओम ओम। मेरा आदमी है ना, मेरे को डांटता है, बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है। कोई बोलता है मारू बहिरू आऊ छे, कोई बोलता है मेरे पत्नी ऐसे। लेकिन तू सोच तेरा मन कितना बेवफा है, तू अपने से कितना धोखा करता है। बहिरी करती है या पति करता है या सेठ करता है या नौकर करता है, ये सब मिलकर भी तेरा इतना नुकसान नहीं करते जितना तू अपने आप का नुकसान करता हुआ है। कहां तो भगवान को सुख देने वाला व्यक्ति, संसार को और परमात्मा को तू राजी राजी कर देवे ऐसा तेरे में है, और तू सुख के लिए भागता फिरता के मिले तो सुखी, ए आ था तो सुखी। तुम यदि भगवान को प्रीति करते हो भगवान खुश हो जाते, तुम भगवान को सुख देने के लिए पैदा हुए हो। लियो हाँ बढ़ो, संसार को और परमात्मा को दोनों को आनंद देने की ताकत मनुष्य में है, और मनुष्य आनंद के लिए भटक रहा है। तोबा तोबा, खुदा हाफिज। ओम 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 ओम।